हेलो दोस्तों, सभी भाई को नमस्कार। तो भाई आज आपके लिए डॉग की एक वीडियो लाए हैं। कुछ डॉग के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और उसके दवा दारू के बारे में बात करेंगे अपने संदीप भाई से। तो संदीप भाई कैसे आए आज? बढ़िया भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके डॉग भी देखे बहुत अच्छे हैं, आपका डॉग का कुछ काम भी है सेल परचेस का, तो उसके बारे में चलिए कुछ बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से डॉग आपके पास है। ये सारे हैं, तो क्या नाम था सर इसका? शेडजू शेटेरियन और मॉल्टीज। ओके ओके, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं धीरे धीरे और आपको उसके बारे में बताते हैं। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, सही भाई को नमस्कार। तो भाई आज फर्स्ट वीडियो हमारी डॉग्स के बारे में भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि अपने संदीप भाई हैं डॉग का भी शौक करते हैं, अब उन्हें ये सेल परचेस का भी इनका काम रहता है और काफ़ी टाइम से ये एक से एक ब्रीड इन्होंने रखी भी है। तो कुछ डॉग्स के बारे में इनसे पूछते हैं, सवालात करते हैं और कुछ रेट भी इनसे पूछेंगे कि ये डॉग कौन सी ब्रीड के हैं, कौन सी ब्लड लाइन के हैं और क्या रिजल्ट है। तो जी संदीप भाई, कुछ डॉग्स के बारे में बताइए आप। मैं आपको बताता हूँ भैया, मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो, मतलब फर्स्ट टाइम पाल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि भाई फैमिलियर होना जी। और जो सेकंड टाइम ओनर होता है, थर्ड टाइम ओनर होता है, वो पाल लेते हैं। दूसरा उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, आप अपार्टमेंट में रहते हो, आप जैसे बंगलों में रहते हो, या फिर आप कैसे किस घर में रहते हो जी। तो उसके हिसाब से होता है कि भाई आपने कौन सी ब्रीड रखनी है जी। जी, जैसे अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं और तो आप जैसे हमने रखे हुए हैं, अब हमारे पास देखो इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम में शेडजू है जी। जी, ये जो आप देख रहे हैं ना जी, ये शेडजू है, ये शेडजू है, तो ये शेडजू ब्रीड है, ये शेडजू ब्रीड है। ये ऐसा था कि चाइना के एक एम्परर थे जी, तो उनके पास ये मेन ब्रीड वहीं की है, चाइना और जापान की। चाइना और जापान की। हाँ हाँ, तो वहाँ पर एक एम्परर थे, उनका एक पेट था, उनको सबसे ज्यादा मतलब वो था ना एक अटैचमेंट, तो शेडजू से थी। तो ये ब्रीड वहाँ की है, चाइना और जापान की साइड की, मतलब कोरिया। फ्रैंकली ऐसे होता है, फ्रैंक नहीं, बहुत फ्रैंक होते हैं। इनमें ऐसा होता है जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे शौर्य है हमारा भतीजा जी, या फिर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मॉल्टीज है, ये हाँ। ये जो है व्हाइट वाली, ये मॉल्टीज है, वो व्हाइट वाली, वो मॉल्टीज है, उसके पैर में अभी भी लगी होंगी, लड़की होंगी, आपस में लड़ती रहती, खेलती रहती है। ये जो खेली है ना इधर, ये शेडजू है, इनमें क्या लग रहे हैं? हाँ, इनमें क्या होता है कि जो नॉर्मल जैसे नॉर्मल जो अननोन है, तो वो शेडजू और लासा एप्सो और लासा टेरी, लासा एप्सो में ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो इनमें भी क्वालिटीज होती है। देखो जैसे इनकी टेल कर्ल कर रही है, इनका कोट कितना है, ठीक है। इनमें मेन चीज होती है कलर की, अब देखो कलर मार्किंग इनमें कई सारी आती है, जैसे ब्लैक है, नहलाया भी है शायद सुबह, धूप आई थी ना, धूप आई थी, नहलाया तो इनमें देखो कलर कोटिंग, जैसे ब्लैक है, ब्लैक, व्हाइट, रेड, टैन, टैन भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा इन, और वो जो अलग है ना उधर सबसे आगे लास्ट में वो यॉर्कशायर टेरियर है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये इनकी ब्लड लाइन अलग है, ये अलग ब्लड लाइन की है, यॉर्कशायर अलग है, इनमें दो मॉल्टीज है और बाकी की पांच छह शेडजू है। तो ये अगर मैं कुछ बात ये पूछना चाहता हूँ, डॉग की जैसे दिल्ली में डिमांड है या बाहर लोग भी डिमांड, तो कौन से अगर हम डॉग की कौन कौन सा कुछ नाम बताइए जो फ्रैंकली डॉग है जो पालना चाहिए और क्या रेट उनका मार्केट में चल रहा है। सबसे पहली चीज होती है कि पर्पस, आप किस पर्पस के लिए उसे पालना चाहते हैं जी, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि आपकी जगह की वेदर कंडीशन, देखो जैसे अगर ये हमने रखे हुए हैं जी, तो हमने इनके लिए कूलर भी लगाया हुआ है, इनके लिए एसी भी है, बिल्कुल ये कूलर भी है और एसी अंदर लगा हुआ है। हाँ, जी बिल्कुल। तो दूसरा क्या है कि अगर आप ये चीज अफोर्ड कर सकते हो तो आप पालो ये वाली ब्रीड, क्योंकि देखो ये फैमिलियर भी बहुत होती है, ये देखो आप फर्स्ट टाइम में, बिल्कुल देख लो ना, ये काटेंगी ना कुछ, बिल्कुल फैमिलियर है और खेलते इतने अच्छे हैं, देख रहे हो आपके सामने कितनी फैमिलियर है। तो ये चीज है कि भाई आपका पर्पस क्या है, अगर आपको गार्ड पर्पस के लिए चाहिए, क्योंकि देखो ये गार्डिंग एबिलिटी नहीं है इनके पास जी, ना ये वॉच डॉग है, कोई आएगा तो अलर्ट हो जाएंगे, गार्ड नहीं है। अच्छा, कोई भी उठा के ले जाएगा तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। बस आपको मेन चीज मैंने यही कहा ना, अगर संकेत कर देंगे, सचेत कर देंगे, बस आवाज कर देंगे। पहली चीज क्या होती है, देखो अगर आपको लीजिए गार्डिंग एबिलिटी के लिए, तो आप गार्डिंग एबिलिटी के लिए चाहिए तो आप पालो रॉटवेलर हो गए, जर्मन शेफर्ड हो गए, डाबरमैन हो गए, ग्रेट डेन हो गए, सेंट बर्नार्ड हो गए, ये हो गए गार्डिंग एबिलिटी के लिए। और उसमें भी ऐसा होता है कि जो सेंट बर्नार्ड हुआ, ग्रेडन हुआ, इंग्लिश मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, नेपोलिटन मैस्टिफ, ये होते हैं हैवी बोन के, मतलब बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, काउच पोटैटो भी बोला जाता है इनको, कि अगर कहीं पे बैठे तो फिर ये बैठे रहते हैं, जैसे कुछ ब्रीड ऐसी होती है। और जो अगाइल हुए, जैसे अगाइल मतलब बहुत फुर्तीले होते हैं, डाबरमैन होते हैं, जर्मन शेफर्ड होते हैं। जर्मन शेफर्ड में एक प्रॉब्लम क्या होती है, बाल की, बाल
जमने के, बाल बहुत झड़ जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। रॉटवेलर में होती है कि भाई उसमें झाग बहुत निकलते हैं। अच्छा, जैसे जो बड़ी हैवी ब्रीड है ना, झाग झाग मुंह से झाग से गिराते हैं। आप सेंट बर्नार्ड ले लो, आप इंग्लिश मैस्टिफ ले लो, आप बुल मैस्टिफ ले लो, आप रॉटवेलर ले लो, जो बड़ी बड़ी हैवी मतलब हैवी ब्रीड्स है ना, उनमें मुंह से झाग निकलते हैं और उनमें इतनी फुर्तीली फुर्तीलापन नहीं होता, इसलिए वो ब्रीड अपने के देखो। तो जैसे ये वाली जो अभी आपके पास ये ब्लड लाइन है, हाइब्रिड बोलते हैं, तो इनको क्या रेट अगर मार्केट में लेने जाएंगे, अगर बच्चे छोटे लेने जाएं या बड़े लें, तो क्या रेट चल रहा है? मैं आपको एक चीज सिंपल सी बता देता हूँ, नॉर्मल सी। एक इनका सेम चीज वही होता है कि भैया एक चावल 10 रुपए किलो होता है, एक चावल 100 रुपए किलो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जैसे नॉर्मल शेडजू का रेट होता है कि भाई वो अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है। देखो हाँ, बस 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 ब्लड लाइन, क्योंकि मान लीजिए जैसे आपके पास ये ब्लड लाइन है, इसका क्या रेट चल रहा है? इनकी रेट अभी नॉर्मल शेडजू का रेट, शेडजू पपी का रेट चल रहा है इस टाइम में 25,000 to 35,000 का। अच्छा अच्छा, अकॉर्डिंग टू पेपर, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। और दूसरी चीज होती है इसमें, कैनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तमिलनाडु में अपने कैनल क्लब ऑफ इंडिया का एक वो अलग से इनके लिए है कि भाई कैनल क्लब ऑफ इंडिया ये रजिस्टर्ड होते हैं, उनमें इनकी ब्लड लाइन आती है कि अपने कबूतरों में ही नहीं होता, लेकिन इनमें पेपर्स बनते हैं कि भाई इनके मदर फादर ये हैं, फिर इनका ब्लड लाइन पूरा होता है, अलग से ब्लड लाइन आता है इनका, उन पेपर में रजिस्टर्ड होता है कि भाई ये बेस्ट इन शो है या बेस्ट ऑफ ब्रीड है डॉग शो की, तो डॉग शो भी इनमें ऑर्गेनाइज होते हैं, ये चीज होती है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है ना। और भी अगर आपके मेन चीज है पर्पस, सबसे पहले आप दोनों पर्पस से पालना चाहते हैं। हाँ। जैसे आप मान लो जी, अगर लड़ने के लिए कोई घर की सेफ्टी के लिए अगर कोई डॉग पालना चाहते, उसके लिए कौन सा डॉग पालें? उसके लिए देखो, मैं आपको फ्रेंडली भी हो और आपको घर के लिए सेफ्टी भी प्रदान करे। वो देखो, अगर आप अगर केयर कर सकते हो तो जर्मन शेफर्ड, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसमें बाल की बहुत दिक्कत है। अगर आपने पाल लिया, मान लो आपकी वाइफ या जो भी मतलब घर पे और भी लोग रहते हैं, वो फिर कहेंगे कि जी बाल बहुत उठ रहे हैं, हर जगह बाल बाल हो गए। जगह मैंने भी कोई एसियों में देखा, पूरे एसी में बाल, बस 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 वही वही। अगर आप जर्मन शेफर्ड नहीं कर सकते तो आप फिर पालो डाबरमैन, रॉटवेलर। लेकिन इन चीज, इन कुत्तों में एक चीज होती है जो ये ब्रीड है डॉग की, बता रहा हूँ, इनको हैंडल करना आना चाहिए। मेन चीज क्या होती है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर आपने ट्रेनिंग दे दी ना तो बहुत अच्छी ब्रीड है। अगर आपने ट्रेनिंग इनकी आउट कर दी तो फिर ये तो वही वाली बात है ना कि लोग बाग वो कहते हैं भाई साहब ऐसा कुत्ता भी नहीं चाहिए जो किसी की टांग ही लिया है, किसी को टांग लिया है। जो खासकर कुछ बैन भी है, बैन जैसे आप डॉग के बारे में, बैन मैं बताता हूँ। जैसे अपनी पिटबुल टेरियर है, पिटबुल टेरियर अपना अमेरिका में बैन है, ठीक है जी। रॉटवेलर है, पिटबुल टेरियर है, केन कार्सो है, डोगो अर्जेंटिनो है, ठीक है, ग्रेडन है, ग्रेडन भी कई जगह बैन है। तो ये होता है, ग्रेडन फ्रेंकली होता है, लेकिन जब गार्डिंग एबिलिटी में जैसे आपके घर ने ग्रेडन पाल रखा है और कोई दूसरा बंदा आ जाए तो वो अपनी फ्रेंकनेस के बोल के फिर वो, क्योंकि टेरिटोरियल होता है मेन चीज कुत्तों में, कहते हैं टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट बड़े इनमें जबरदस्त होते हैं, चाहे कोई भी ब्रीड हो, चाहे चिवावा ही क्यों ना, चिवावा इतना सा होता है, इतना बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा, लेकिन टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट उसमें भी होती है। जब उनके घर में कोई जाता है तो वो अपनी टेरिटरी दिखाता है। नॉर्मल आप देसी कुत्तों में देखो, आप गली में जाते हो तो वो भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी टेरिटरी है, आप उनकी टेरिटरी में एंटर कर रहे हो तो वो आपको अलाउ नहीं कर रहे अपनी टेरिटरी में। तो मेन चीज ये है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो ये अच्छी, ये वाला जो है कितने मंथ का है? कौन सा ये अडल्ट है, अडल्ट है, अडल्ट है। इनकी हाइट इतनी रहती है और भी बढ़ती है? इनकी हाइट इतनी ही रहती है, ये अडल्ट है, ठीक है ना। अभी हमने सारी फीमेल फीमेल्स, ये सारी फीमेल्स, हाँ सारी फीमेल्स है, मेल अलग करते हैं क्योंकि वही सीन सीन है ना, फिर मेल्स इनको तंग करते हैं। हाँ हाँ, ये सारी फीमेल्स है। तो मेन चीज देखो, मैं तो एक चीज 100 बात की एक बात, अगर कोई नई फर्स्ट टाइम ओनर है ना और वो पालना चाहता है तो वो ये चीज देखो कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, आपकी जगह की क्लाइमेट, बस बस क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, आप अपार्टमेंट में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, बंगले में रहते हो। अच्छा, केयर के बारे में भी कुछ बताएंगे, केयर क्या होती है, क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए? कोई जैसे नया डॉग लेके आया है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्या खिलाए उनको, क्या मेडिसिन ऐसी दे, उसके बारे में बताइए। स्पेसिफाइड फूड का तो नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि देखो मार्केट में रॉयल कैनिन भी है, पेडिग्री भी है, ड्रूल्स भी है, न्यूट्री पैट भी है। हम तो रॉयल कैनिन खा सके, हम तो रॉयल कैनिन का स्टार्टर खिलाते हैं इन्हें। अच्छा अच्छा, और अभी तो खैर उसमें इनके डब्बे में रखा हुआ है, बाल्टी जो टब है ना इनका, उसमें शेडजू रखी हुई है या फिर ये तो अपने अच्छा, आप और भी ब्लड लाइन रखी हुई, पहले आपने कौन कौन सी ब्लड लाइन रखी है, सेल भी करते हैं? मैं बताता हूँ, सबसे पहले हमने रखा था एक लैब्राडोर रिट्रीवर जी, ठीक है। तो हमारा जो लैब्राडोर रिट्रीवर था वो दिल्ली डॉग शो में, जब दिल्ली के डॉग शो पहले लगते थे तो उसमें चैंप था वो। अच्छा अच्छा, हाँ पहला लैब्राडोर रिट्रीवर रखा था, फिर हमने रखे थे जर्मन शेफर्ड। अच्छा, जर्मन शेफर्ड सबसे पहले हमने रखे थे, लैब्राडोर रिट्रीवर, फिर उसके बाद रखे थे हमने जर्मन शेफर्ड। ओके, जर्मन शेफर्ड डबल कोट के भी रखे हैं हमने, डबल सिंगल कोट के भी रखे हैं, फिर हमने रखे थे बॉक्सर। अच्छा, जो पहले बॉक्सर, अब तो खैर बॉक्सर बहुत कम देखने को मिलता है, बॉक्सर
फिर उसके बाद रखी थी हमने डाबरमैन, डाबरमैन, फिर लास्ट, फिर इनसे पग से पहले हमने रखे थे ग्रेट डेन, ग्रेट डेन भी रखे थे हमने, उसके बाद हमने रखे थे पग। तो 25 या 30 के करीब पग थे हमारे पास। अच्छा। सबसे ज्यादा हमने अब तक पग रखे हैं, पग, पग जो आपके वोडाफोन, हाँ, वोडाफोन वाले समझ वो बच्चे अच्छे भी लगते हैं। फिर पग के बाद हमने रखे फ्रेंच बुलडॉग्स, ठीक है, फ्रेंच बुलडॉग के बाद हमने रखे शिटजू, फिर शिटजू के बाद यॉर्कशायर टेरियर। तो इसकी मेरिट डीमेरिट के बारे में बताइए, जैसे आप पग, पग की बात करी, पग में मेरिट डीमेरिट, पग में फायदा नुकसान के बारे में मुझे बताइए। मैं बताता हूँ, अब जैसे हमने पग रखे थे तो पग में मेरिट डीमेरिट ये होती है कि पग की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो छोटी सी जगह में रह लेता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज, मेन चीज होता है बार्किंग, भौंकना जी। तो आप जर्मन शेफर्ड रख लो, आप डॉबरमैन रख लो, आप रोटवेलर रख लो, इनमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि भौंकते इतने ज्यादा है कि आपके पड़ोसियों को दिक्कत होती है। अच्छा। भाई पड़ोसी कहते हैं कि भाई आपका कुत्ता भौंक रहा है, जो भी बड़ी बड़ी ब्रीड है। ये नहीं है कि जर्मन शेफर्ड हुआ, रोटवेलर हुआ, ग्रेट डेन, बुल मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ, नेपोलियन मैस्टिफ, सेंट बर्नार्ड या न्यूफाउंडलैंड टेरियर, कोई सी भी बड़ी ब्रीड हो, इसमें भौंकने की बड़ी दिक्कत है जी जी। वो कुत्ते भौंकते बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और अपनी ये टॉय ब्रीड्स में क्या है, इनकी भौंकने की आवाज ना के बराबर, ना के बराबर, बहुत एक कम है, कम है, जाती है। तो सबसे पहली मेरिट ये है कि भाई बार्किंग ये इतनी नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये इतनी ज्यादा जगह नहीं घेरते जितनी वो घेरते हैं। तीसरा मेरिट ये है कि इनको एक्सरसाइज करवाने में कम टाइम लगता है। अच्छा, आप देख लो छत पे, ये कितना छत पे ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, खेल रहे हैं आपस में, देख रहे हो आप, ये छत पे अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। और बड़ी ब्रीड हो ना तो आपको उसको उसको घुमाने के लिए अलग से टाइम चाहिए, पार्क लेके जाना पड़ेगा, लीज में घुमाना है। और दूसरी बात भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग क्या करते हैं कि कुछ कुत्तों को एक लीज ढीली छोड़ देते हैं जी, दूसरा कि या फिर लीज खुली छोड़ के चलते हैं। तो भाई ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे एक वेट है, हमारे एरिया में एक वेट है, तो जब हम उनके पास कोई डॉग को कोई दिखाना होता है लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार आप इतने साल से कुत्ते पाल रहे हो, आपको पिताजी पाल रहे हो आप इतने साल से, तो भी आप कुत्तों से डरते हो। देखो डरना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि देखो जानवर ऐसा है, देखो आपका कुत्ता है वो आपके लिए वफादार है, समझ रहे हो आप, उसकी गार्डिंग एबिलिटी अपने मालिक के लिए, ओनर के लिए, दूसरे के लिए नहीं है। तो वो आपको काटेगा अगर उसको अनसेफ फील होगा तो वो आपको काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा, ये चीज है। तो कई सारी जो नोटिस करने की होती है, ठीक है ना। और कुछ जैसे एक चीज होती है भाई इनके खाने की, लोग बाग इनको दूध भी खिला देते हैं, कुछ रोटी भी खिला देते हैं, देखो वो अपना अपना होता है, पर इनका एक स्पेसिफिक फूड आता है, वो इनको खिलाना चाहिए। और एक चीज और देखो, फूड पे कभी भी भाई कुत्तों को रो मीट नहीं खिलाना चाहिए। अच्छा, कच्चा मांस, कच्चा मांस, जो कच्चा मांस लोग सोचते हैं ना कि हम अगर कच्चा मांस खिलाएंगे तो कुत्ते ज्यादा डॉग्स पावर में आ जाएंगे, या तो फिर उसको महंगा मिल जाएगा, तो छोड़ने वाला नहीं है। होता है ना, एक भाई ने कहा था कि ऐसा कुत्ता नीचे जो टांग लिया किसी, वही चीज है। तो भाई रो मीट तो ट्रेंड के ऊपर है, आप क्या खाना दे रहे हैं और कैसे ट्रेंड कर रहे हैं कबूतर को, मतलब कुत्तों को जो है वो बाहर भी लोगों को शुरू से घुमाना भी चाहिए, नहीं कि सिर्फ घर में बंद करके रहो तो ऐसी बात है। हर कुत्ते की भाई अपनी डीमेरिट है, और मेरिट और डीमेरिट दोनों चीजें हैं। बस बस, जिसको भी भाई, जो भी भाई अपने जानना चाहते हो, चाहे वो डॉग्स के बारे में हो, चाहे वो मद्रासी के, मद्रासी पिजन्स जो अपने पालते हैं, मद्रासी, पंजाबी, सहारनपुरी, जी जी जी, तो भाई वो मेरा स्क्रीन पे नंबर आ जाएगा। हाँ, नंबर मैं डाल दूंगा, किसी को उससे डॉग से रिलेटेड कोई पूछना चाहे तो वो भी आप बता सकते हैं, चाहे डॉग से अवेलेबल करा सकते हैं, और कोई लेना चाहे तो। अपना मेन काम ही सेल का है, सेल का, डॉग का भी, बर्ड्स का भी है, और पिजन्स का भी, बर्ड्स में पिजन्स का जी जी, पैरट्स वगैरह का नहीं है, पैरट का नहीं, मतलब वही बर्ड्स में आपका पिजन है, डॉग्स, और डॉग्स में कोई सी भी ब्रीड हो। अच्छा, वो सारे अवेलेबल करा, सारी कोई सी भी ब्रीड हो, आप मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो सी आप ब्रीड कहोगे वो वाली आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक ठीक, अच्छी क्वालिटी की और रीजनेबल प्राइस में। ओके ओके भैया।